मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हाँ आप तो यही कहेंगी कि पूरी दुनिया झूठी है, एक आपकी बेटी सच्ची है बस। अम्मी रहने भी देना, हम यहाँ क्या बात करने आए थे और आप ये क्या बातें लेके बैठ गई। देखिए मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ना तो आपने अपनी बेटी की कोई तरबियत की है और ना ही उसे उसका हक दिया है। किस हक की बात कर रही हैं आप? हमने तो बहुत कुछ दिया है आपको और अपनी बेटी को बहुत अच्छा जहेज देकर इस घर से रुखसत किया है, और तो और गुड़िया की पूरी जिम्मेदारी भी हमने संभाल रखी है। हमने आपके लिए इतना कुछ किया और आप अब भी खुश नहीं है हमसे? जहेज की बात तो आप रहने ही दीजिए बहन, गरीब से गरीब भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे दिलाकर रुखसत करता है, और रही बात गुड़िया के स्कूल की फीस की, तो ये तो आपकी बेटी की ही ख्वाहिश थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। भाई जितना पढ़ लिख जाए आखिर को उन्हें चूल्हा हांडी ही करनी होती है। तो छोड़े ये बातें, असल मुद्दे की तरफ आए, चाहती क्या है आप? भाई साहब हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दे दें। जिंदगी में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप लिख कर दे दें कि जायदाद में उसका कितना हिस्सा है। भाई साहब मैं जानती हूँ आपको मेरी बात बहुत नामुनासिब लगेगी, लेकिन देखें सच्ची और कड़वी बात तो यही है कि आजकल के भाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यावर के वालिद ने भी अपनी जिंदगी में सबको बराबर का हिस्सा दे दिया था, उनके बाद ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद, इस्लामी कानून के रोह से जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको दे दिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी को आपकी जायदाद में से उसका हिस्सा मिल जाए। देखिए ये सब कुछ हम अपने लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, इसमें आप ही की बेटी का फायदा है। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी वो बात भी करें ना। क्या? जी मैं बताती हूँ, दरअसल भाई साहब कुछ अरसे पहले मेरे बेटे के कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था, इसे हमने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा परेशान रहा। अब अंकल मुझे कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए फौरी तौर पर रकम चाहिए। अगर फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो कारोबार तबाह हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अंकल। देखिए भाई साहब किले शिकवे सब अपनी जगह, जहां चार बर्तन हो वहां खनकते तो हैं, बस हम ये चाहते थे कि आप मेरे बेटे को 1 करोड़ दे दें। कर्जे के तौर पर ही दे दें, जब इसका कारोबार चलने लगेगा थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देगा।